नमस्कार दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और उन्होंने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पे भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट निकाल कर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने इन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंटें सही घर की दीवार से भी ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घर में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। कुछ लोग ने अपने घर का रख रखाव अच्छे तरीके से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाया है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वे अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वे अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है, इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इनकी मजबूत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी ना निकाल पाए। दोस्तों यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है, इसलिए अपने जीवन में हमेशा वही रास्ता चुनें। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।